मन पर नियंत्रण, संयम से काम ले। जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप में अपने आप एक परिवर्तन आ जाएगा। बहुत से कार्य आपको ऐसे लगेंगे कि व्यर्थ हैं, आप में एकाग्रता और क्षमता आ जाएगी। इधर उधर व्यर्थ समय गंवाना दूर हो जाएगा। आप अपना एक सिद्धांत बना लें। कोई भी कार्य आपको करना हो तो पहले सोच लें कि क्या करना है और कैसे करना है और उसका लाभ क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों का जो भी उत्तर मिलेगा वही सही होगा और आप इस पर अमल करके अपना जीवन बना सकते हैं। व्यर्थ की बहुत सी परेशानियों से आपकी रक्षा हो सकती है। ईश्वर तो सदा ही यही चाहता है कि हर मनुष्य अपने मन पर संयम रखे। चंचल मन को अपने वश में रखने की शक्ति भी भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को दी है। अब अगर हम मनुष्य उसका सही उपयोग न कर सकें तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है? ईश्वर रूठा है या भाग्य खराब हो गया है? इसी प्रकार की बातें कर आप अपनी दुर्बलताओं पर पर्दा डालते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं देखते कि इसमें कारण क्या है? क्या आपने अपने मन को वश में रखा था? अगर ऐसा हो भी गया है तो इसके लिए परमात्मा या भाग्य को दोष देने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं अपने को दोषी माने और तब लगन से फिर उस कार्य को करें। देखें कैसे वो कार्य नहीं बनता है। होता यह है कि एक जरा सा झटका लगते ही हम चारों खाने चित हो जाया करते हैं, अपना साहस गंवा बैठते हैं, अपने मन के सारे द्वार सदा उत्साह, उमंग और आनंद के लिए खुले रखिए। उदासीनता को पास न फटकने दीजिए। पूरे मनोवेग से ही काम करिए। आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। मन के तमाम विकारों पर अपना नियंत्रण रखें। जब तक आप अपना व्यवहार इस प्रकार न रख सकेंगे तब तक आपका सफल होना, आगे बढ़ पाना एकदम ही असंभव है। ईश्वर ने सभी प्रकार के गुण और क्षमताएं प्रत्येक मनुष्य को प्रदान किए हैं। परमात्मा ने किसी को किसी प्रकार से वंचित नहीं रखा है। निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ उसने सबको सब कुछ दिया है। यह बात अलग है कि आप उसको जान न पाए। परमात्मा ने सब कुछ आपके भीतर रख दिया है। आप उसका उपयोग न करें तो बेचारा परमात्मा क्या कर सकता है? शरीर को देखिए, परमात्मा ने किस प्रकार बनाए हैं। आपके रक्त में रोगों के कीटाणु से लड़ने की शक्ति दी है। आपके रक्त के लाल कण यही कार्य करते हैं। खान पान शुद्ध रखने से लाल कण बनते हैं। अगर आप खान पान शुद्ध रखे नहीं और लाल कण न बने, आपको रोग घेर ले, तो इसमें दोष किसका है? ईश्वर ने आपकी आंखों की रक्षा के लिए पलकें बनाई हैं। जरा भी कुछ जा नहीं पाता है, चला भी गया तो आंख का पानी इसे गलाकर एक ओर फेंक देगा। आपके शरीर पर स्थान स्थान पर बाल इसी कारण हैं। परमात्मा ने आपके शरीर का भी पूरा ख्याल रखा है। इसके साथ ही आपको सारी शक्तियां दी हैं। उन वैज्ञानिकों का जीवन तो आप देखिए, जो एक से एक आविष्कार कर गए हैं। जाने कितनी बार वह जल्लाहटों से भरे होंगे, जाने कितनी बार असफलता हाथ लगने पर अपना सिर पीटा होगा, पर क्या वो निराश होकर बैठ गए? उन्होंने अपने काम से हाथ खींच लिए। तो दोस्तों, मन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है आपको अवगत हो गया होगा।